दोस्तों, अमेजोन के जंगल के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है जो 55 मिलियन वर्ष पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है और वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से निकलता है और दोस्तों इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप गलती से इस जंगल में फंस जाएंगे तो आपके बचने की उम्मीद बहुत कम होगी और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल इतना ज़्यादा घना है कि इसकी सतह पर सूर्य की किरण सिर्फ 1% ही पहुंच पाती है। दोस्तों, अमेजोन के जंगल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जानवर इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जिनके एक ही डंक से मनुष्य मौत की नींद सो जाता है। दोस्तों, यह जंगल बाहर से देखने में जितना खूबसूरत लगता है वह अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेजोन जंगल में मौजूद 10 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जिनका काटा पानी भी नहीं मानता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट 7 हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक ईल। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ईल अमेजोन के जंगल के नदियों में पाया जाता है। दोस्तों, यह मछली की तरह होता है लेकिन यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो करीब 600 वाट तक का करंट अपने शरीर से निकालता है। दोस्तों, इतना करंट एक इंसान को तो नहीं मार सकता है लेकिन यह हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, यह मछली करंट का इस्तेमाल बड़े और खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे ही कोई जानवर इनके ऊपर हमला करता है, यह उसे ऐसा इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं जिसके बाद वह जानवर अगर कमज़ोर है तो मर जाता है और अगर बहुत बड़ा जानवर है तो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वह दोबारा कभी किसी इलेक्ट्रिक ईल के पास नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप अमेजोन के जंगल में जाएं तो वहां पे मौजूद इस मछली से सतर्क रहें। नंबर 9, एरापैमा। दोस्तों, अमेजोन के जंगल में मौजूद एरापैमा दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। दोस्तों, यह 2 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। दोस्तों, यह मछली इंसानों के लिए तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर अमेजोन के जंगल में रहने वाले अन्य प्राणी इसके नाम से ही खौफ खाते हैं। दोस्तों, यह मछली पानी में तैर सकते हैं, हवा में सांस ले सकते हैं और यह मछली पानी में रहने वाले अन्य मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं और तो और यह किनारे पर आने वाले जानवरों को भी खाकर अपना भूख मिटाते हैं। दोस्तों, यह मछली इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हड्डी से सुनने वाली मशीन का निर्माण किया जाता है और ब्राजील के गवर्नमेंट ने इसके शिकार पर रोक लगा दी है, अन्यथा यह प्रजाति विलुप्त हो जाती। नंबर 8, मच्छर। दोस्तों, इस लिस्ट में मच्छर का नाम सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों मच्छरों को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर गलती से आप अमेजोन के जंगल में फंस जाएं तो मच्छर आपके जान के दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों, शाम के समय मच्छर काफ़ी एक्टिव होते हैं। अमेजोन के जंगल में फंस गए लोगों के मारे जाने के सबसे बड़ी वजह मच्छर ही होते हैं। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मच्छरों ने अमेजोन के जंगल में एक अलग ही आतंक मचा रखा है और इनके काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि डेंगू मलेरिया। लेकिन दोस्तों, अमेजोन के जंगल के मच्छर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हैं। यहाँ के मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी का पता हमारे डॉक्टरों के लिए भी पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आप अमेजोन के जंगल में घूमने जाएं तो अपने साथ मच्छरों से बचने के उपाय कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं, नहीं तो यह मच्छर आपके मृत्यु का कारण बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अपने होस्ट और दोस्त सौरभ की वीडियो में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। नंबर 7, साउथ अमेरिकन रैटल स्नैक। दोस्तों, अमेजोन के जंगल में सांपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यह भाई साहब हमारी लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि यह सबसे जहरीले हैं। दोस्तों, रैटल स्नैक वैसे तो पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसकी अधिकतर नस्लें जहरीली होती हैं। दोस्तों, अगर यह एक बार इंसान को काट ले तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अमेजोन के जंगल में या घास फूस में छुपे बैठे रहते हैं और जैसे ही किसी इंसान या किसी जानवर का पैर इनके ऊपर पड़ जाता है, यह अपने आत्मरक्षा में उसको तुरंत काट लेते हैं। दोस्तों, इनका न्यूरोटॉक्सिक जहर किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है।
इसीलिए अमेजोन के जंगल में जाने से पहले एक बड़ा बूट पहनकर जरूर जाएं। कुछ है ब्राजीलियन वंडर स्पाइडर। दोस्तों अमेजोन के जंगल में पाई जाने वाली मकड़ियों में यह काफ़ी खतरनाक मकड़ी होती है। दोस्तों वैसे तो आपने अपने बाग बगीचे या घर में मकड़ियों को घूमते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों आप इस मकड़ी को कोई आम मकड़ी समझने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों इसके काटने पर इतना भयानक दर्द होता है कि इंसान तड़पने लगता है और वह अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। नंबर 5, पॉइजन डर्ट फ्रॉग। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है बारिश के समय में बेवजह टर टर करने वाले मेंढक किसी की जान ले सकते हैं? दोस्तों यह सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक मेंढक किसी की जान ले सकता है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं अमेजोन के जंगल में मौजूद पॉइजन डर्ट फ्रॉग के बारे में। दोस्तों यह देखने में जितना खूबसूरत होता है असलियत में यह उतना ही खतरनाक होता है। दोस्तों यह पेड़ के कलर होने से अपना पहचान छुपा लेता है। दोस्तों यह मेंढक करीब 2 इंच लंबे होते हैं, पर इनमें इतना जहर होता है कि अगर यह एक बार किसी पे जहर का प्रयोग कर दे तो 10 मनुष्यों की मौत हो जाती है। दोस्तों इस मेंढक के जहर का वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 4, जैगवार। दोस्तों जैगवार एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने में परहेज बिल्कुल नहीं करता है। दोस्तों ऐसे तो जैगवार हिरण से लेकर चूहे को खाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इंसानों पर हमले के इनके कोई केस नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह जानवर इंसान से सामना होने पर इंसानों को ऐसे ही छोड़ दे। दोस्तों अमेजोन के वर्षा वन में रहने के कारण यह पानी में तैरना भी जानते हैं, इसीलिए पानी में रहने वाले प्राणियों को भी ये नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों जैगवार सिर्फ पश्चिमी अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों जैगवार देखने में काफी खूबसूरत होते हैं और दुखी बात तो यह है कि जंगल खत्म होने के कारण जैगवार की संख्या अब गिनी चुनी ही रह गई है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी प्रकार से लोग जंगल को काटते रहेंगे तो आने वाले समय में जैगवार की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। नंबर 3, ब्लैक कैमन। दोस्तों अमेजोन के जंगल में पाए जाने वाले ब्लैक कैमन को मगरमच्छों का राजा भी कहा जाता है। एक समय में यह प्राणी अमेजोन में खत्म होने की कगार पर थे, लेकिन इनको बचाने के लिए कई कानून लाए गए जिसके कारण आज यह हम लोगों के बीच में है। दोस्तों यह मिट्टी के कलर का होने के कारण आसानी से छुप जाता है और मछलियों का शिकार करके खाता है तथा हिरण और दूसरे जानवरों पर भी हमला करने में बिल्कुल नहीं शर्माता है। दोस्तों कभी कभी तो इसकी लड़ाई एनाकोंडा जैसे भारी भरकम जानवर से हो जाती है। दोस्तों एनाकोंडा से लड़ाई होने पर दोनों की लड़ाई काफी टक्कर की होती है और कभी कभी मगरमच्छ पर एनाकोंडा भारी पड़ता है तो कभी कभी मगरमच्छ एनाकोंडा पे भारी पड़ता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की लड़ाई में काफी मजा आता है जो अक्सर अमेजोन के जंगलों में होती रहती है। दोस्तों अपने शिकार करने की खूबियों की वजह से खतरनाक जानवरों के लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर मौजूद है। नंबर 2, एनाकोंडा। दोस्तों एनाकोंडा सांपों की प्रजातियों में सबसे बड़ा सांप है। दोस्तों इसमें जहर तो नहीं होता है, लेकिन एनाकोंडा का नाम सुनते ही इंसान से लेकर जानवर खौफ में आ जाते हैं। दोस्तों यह आकार में इतने बड़े होते हैं कि हॉलीवुड में काफी पिक्चरें भी इनके ऊपर बनाई जा चुकी है और दोस्तों इनकी औसत लंबाई 21 फीट तक होती है। यह बड़े जरूर होते हैं पर जहरीले बिल्कुल नहीं होते हैं और यह अपने शिकार को बिना चबाए ही निगल जाते हैं। दोस्तों इनको खाना पचाने में करीब 1 हफ्ते से अधिक का समय भी लगता है। दोस्तों जब यह भूखे होते हैं तो इनके सामने कोई भी जानवर हो इनको फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तों इनकी कुंडली में एक बार जो जानवर या इंसान फंस गया उसकी सामत आ जाती है। और दोस्तों लोगों का मानना है कि एक बार इनकी कुंडली में जो फंस गया उसकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों गलती से भी अगर आपके सामने एनाकोंडा आ जाए तो अपनी जान बचाकर भागने में देर बिल्कुल ना करें। नंबर 1, पिराना। दोस्तों पिराना समुद्र में और अमेजोन के जंगलों में पाई जाने वाली एक खतरनाक मछली है। दोस्तों अक्सर यह मरे हुए और भूखे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन जब यह भूखी होती है तो इनको फर्क नहीं पड़ता है कि वह जिंदा इंसान है या जानवर है। दोस्तों जैसे ही कोई इंसान
नदी को पार करके निकलने लगता है। पिराना मछली वहां पर झुंड में पहुंच जाती है और चंद मिनटों में ही अपने नुकीले दांतों की मदद से या किसी भी जानवर का भर्ता बना देती है। दोस्तों, एक बार आप एनाकोंडा और मगरमच्छ के हमले से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर यह मछली झुंड में आपके ऊपर हमला कर देती है तो आपका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।